तो 66 बीपीएससी मेंस पॉलिटी हिंदी में राज व्यवस्था। अब जो है पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर का यदि हम लोग एनालिसिस करेंगे, यदि उसके ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि बीपीएससी का पिछले 5 सालों से क्या फोकस रहा है, तब हम लोग एक खास निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वी विल अराइव एट अ वेरी पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक कॉन्क्लूजन। और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में आप गेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी आपके सामने लेके आते हैं। इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट नोट्स हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो जैसे पेपर वन का आप लोग अलग अलग रजिस्टर बनाए हैं, उसका नोट्स इकट्ठा किए हैं, आंसर राइटिंग इवैल्यूएट किए हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए हैं, उसी तरह पेपर टू सेक्शन वन हिंदी में खंड वन राज्य व्यवस्था पे हम लोग इसी तरह चर्चा करते हैं। देखिए, जो पहला पॉलिटी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है वो है आपका प्रियाम्बल, प्रियाम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का प्रस्तावना। खास करके इस पे हम लोग इस टॉपिक के तहत क्या चर्चा करेंगे, तो पहला चर्चा ये करेंगे कि प्रस्तावना में कौन कौन का शब्द दिया हुआ है, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संप्रभुत देश, गणराज, है ना, और कुछ बता सकते हैं शब्द, लोकतांत्रिक, अखंडता एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन शब्द भारत की प्रस्तावना में इस्तेमाल किया है, कि इस्तेमाल किया गया है, और इसका अभिप्राय क्या है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। फिर दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है या संविधान का अंग है, इस कॉन्स्टिट्यूशन अ पार्ट, सॉरी इस प्रियाम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी विल सी, वी विल लुक इन टू द डिबेट एज टू व्हाट डिफरेंट पीपल से, पर्टिकुलरली व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज वेदर प्रियाम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो सर्वोच्च न्यायालय का हम लोग व्याख्या देखेंगे, उनका निर्णय देखेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तीसरा पहलू भी हम लोग प्रस्तावना में देखेंगे कि इट इज ऑल्सो अ गाइडिंग फिलॉसफी, एक ये मार्गदर्शक का भी काम करता है। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि किस हद तक सर्वोच्च न्यायालय, जो कि संविधान का व्याख्या करती है, प्रस्तावना का मदद लेके संविधान का व्याख्या करती है, टू व्हाट एक्सटेंट प्रियाम्बल सर्व्स एज अ टूल टू इंटरप्रेट द एम्बिगुअस स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कहीं कहीं कुछ शब्द है जो कि अस्पष्ट है, एम्बिगुअस है, वेग है, तो ऐसे स्थिति में प्रस्तावना के अपना एक महत्व हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसको एक फिलोसॉफिकल गाइड की तरह इस्तेमाल करती है। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का उद्देश्य है कि भारत एक कल्याणकारी राज हो, और इसी पे आज आपका क्वेश्चन भी है, मींस इंडिया शुड एस्पायर टू बी अ वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, एंड विद द जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज इंडिया शुड प्लेज इटसेल्फ टू बिकम मोर एंड मोर मार्जिनल, टू बी बिकम मोर एंड मोर वेलफेयर स्टेट, इट शुड सी
दैट इवन द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज इंटीग्रेटेड इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। कहने का मतलब कि भारत एक कल्याणकारी राज है, भारत के पास जैसे जैसे संसाधन में वृद्धि होगी, भारत की कोशिश हमेशा यही रहती है कि सीमांत जनसंख्या भी इस कल्याणकारी राज और योजना के तहत आ जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पृष्ठभूमि में प्रस्तावना कैसे आपको गाइड करता है, हाउ डज प्रियम्बल ऑफ प्रियम्बल हेल्प्स इन गाइडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स टू बिकम अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, एक तो प्रस्तावना आपका महत्वपूर्ण है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हम लोग को निकल के आता है, आप देखेंगे पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन एनालिसिस में, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पे भी क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आ जाता है। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू एनी सोसाइटी, किसी भी समाज में मौलिक अधिकार की क्या महत्व है। हम लोग ये भी देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार का समन्वय कैसे किया जाए। वी नो दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सर्व्स एज अ सेट ऑफ एडवाइस टू द गवर्नमेंट दैट दीज आर द प्रिंसिपल्स यू शुड फॉलो, और दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, जो एक प्राकृतिक अधिकार संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को और आम जनता को दी गई है। लेकिन जब दोनों में टकराव होता है, फंडामेंटल राइट्स ऑन वन हैंड ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन दी अदर, तो वैसे स्थिति में किसका वर्चस्व होता है, क्योंकि मौलिक अधिकार हनन हो तो आप अनुच्छेद 32 का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन राजनीति निदेशक तत्व के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि सरकार उसके लिए कोर्ट का सहारा ले ले। तो किसका वर्चस्व है, मौलिक अधिकार का है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का है, और भारत को यदि कल्याणकारी राज बनना है तो नीति निदेशक तत्व को अपनाना होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यू हैव टू इनकल्केट इट, असिमिलेट इट, इंटीग्रेट इट इनटू योर गवर्नेंस, और जब इनका क्लैश होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या सुझाव है, ये हम लोग को डिस्कशन का ये बिंदु होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मौलिक अधिकार आपको दिया गया है, क्या भारत का नागरिक का ही काम है कि सिर्फ लेना, हम लोग को देना भी है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य को भी हम लोग मौलिक अधिकार के कॉन्टेक्स्ट में, पृष्ठभूमि में हम लोग देखेंगे। आजकल आप लोग देख रहे हैं राइट टू प्रोटेस्ट है ना, विद्रोह करना, क्या ये मौलिक अधिकार है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन हो रहा है, सो लोकतांत्रिक प्रणाली में विद्रोह करने का अधिकार किस हद तक ये मौलिक अधिकार है, या डेमोक्रेसी में देर शुड बी अ राइट टू प्रोटेस्ट, इस मुद्दे पे भी हम लोग को चर्चा करना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, निर्णय आया है, जैसे केएस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार एंड फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, राइट टू प्राइवेसी एंड फंडामेंटल राइट भी हम लोग को देखना है, अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 32 को जरा ध्यान से चर्चा करना है, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 को किस तरह से व्याख्या करती है, किस तरह से इंटरप्रेट करती है, ये हम लोग को देखना है। तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये हमारे लिए
इतना टॉपिक कर लेंगे तो वी विल बी सेल्फ सफिशियंट इन 66th बीपीएससी मेंस। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है गवर्नेंस का, एक मूल सिद्धांत है आपके सरकार के संचालन का, यदि आप भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में जैसा कि हम लोग चर्चा किए हैं, मौलिक अधिकार से टकराव का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के वाद विवाद विचार विमर्श में किसी सरकार के पास क्या उपाय है ताकि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में संतुलन बना रहे, समन्वय बना रहे, बैलेंस रहे, हम लोग इस टॉपिक के तहत चर्चा करेंगे। चौथा टॉपिक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। दिस सेंटर स्टेट रिलेशंस कैन बी इन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, प्रशासनिक संबंध हो सकता है, फाइनेंशियल वित्तीय हो सकता है, और कोई संबंध बताएं, विधायिका लेजिस्लेटिव संबंध भी हो सकता है। तो हम लोग ये तीन पहलुओं पे सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। खास करके इंडिया के बारे में, भारत के बारे में बोला जाता है कि इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट अ ट्रू फेडरलिज्म। भारतीय जो संघवाद है वो सही संघवाद नहीं है, इसमें एकात्मक लक्षण है, यूनिटरी फीचर्स है, यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा है, फेडरल फीचर्स कम है। और कभी कभी इसको क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर ये बोला जाता है कि इंडिया को यदि हम लोग परिभाषित करें सही सब दे तो क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर या अर्ध परिसंघीय आप कह सकते हैं। तो इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा होगा। अब जो है इसी सेंटर स्टेट रिलेशन पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद कहते हैं। सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे शायद हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पे क्वेश्चन भी बना चुके हैं। भारत में कौन सा एकात्मक विशेषता है, कौन सा संघीय विशेषता है, ये सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। कभी कभी आप देखेंगे कि इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर, भारत का जो संविधान है प्राकृतिक रूप से प्रकृति देखा जाए तो वो संघवाद है, लेकिन आत्मा देखा जाए है ना वो एकात्मक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन सोल। तो इस टॉपिक को भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सेंटर स्टेट रिलेशन में 15th फाइनेंस कमीशन हम लोग देखेंगे, 15वें वित्त आयोग, नीति आयोग, और बिहार के लिए बीपीएससी के लिए जो 15वां वित्त आयोग है उसमें बिहार के लिए जो रिकमेंडेशन है उसको हम लोग को देखना है ध्यान से। और स्पेशल स्टेटस ऑफ बिहार ये एक चर्चा का मुद्दा है और इसको भी हम लोग अपने टॉपिक में चर्चा करेंगे। पांचवा जो मेजर टॉपिक आप देखिएगा कि पेपर 2 सेक्शन 1 में, यानी पॉलिटी सेक्शन में, राज्य व्यवस्था सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, 4, और 4 में से कितना करना होता है, 3। तो हम लोग बिना रिस्क लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग उसी को चर्चा कर रहे हैं। तो पांचवा जो सेक्शन है इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, भारत में राजनीतिक पार्टी का कैसे उदय हुआ, पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, फिर बाद में जनता पार्टी आई, फिर हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जो है कोएलिशन से बनने लगी और कोएलिशन सरकार उतनी स्थिर नहीं रही, उतनी स्टेबल नहीं रही। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन जब होता है तो कुछ खास लोग होते हैं, कुछ खास समूह होते हैं जिनको अंग्रेजी में प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। तो किसी भी इलेक्शन में प्रेशर ग्रुप्स का क्या
प्रभाव होता है, क्या रोल होता है, और उसको खास तरीके से बिहार के संदर्भ में देखेंगे। बिहार में आपका विधानसभा का चुनाव हुआ, इस विधानसभा के चुनाव में हम लोग ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, किस तरह से लोगों का जो है एक मोल, एक मूल्य, एक सिद्धांत, एक विचार किस तरह से बढ़ रहा है, क्या उनके सिद्धांत के आधार पे कुछ अलग अलग बातें हैं, या उम्र के हिसाब से कुछ लोग कुछ विशेष चीज़ चाह रहे हैं। ये ट्रेंड एनालिसिस जो है इनकम के आधार पे क्या बिहार के पॉलिटिकल इलेक्ट्रल प्रोसेस को हम लोग देख सकते हैं, क्या आपके हम लोग कोई सेक्टर निकाल सकते हैं बिहार के जनसंख्या को, क्या हम लोग उम्र, आयु, इनकम, शिक्षा के आधार पे देख सकते हैं कि इनका क्या, इनको क्या चाहिए। 21 साल के युवक को क्या चाहिए, 45 साल के वृद्ध महिला को क्या चाहिए, जो लोग पेंशन पे जी रहे हैं उनको क्या चाहिए, वो लोग पॉलिटिकल पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस तरह का ट्रेंड एनालिसिस जो है हम लोगों को खास करके बिहार विधानसभा के इलेक्शन में देखना है। और कास्ट इन बिहार, जब चुनाव होता है, चाहे वो भारत का लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा की बात करें, तो जाति का क्या रोल होता है, कास्ट का क्या रोल होता है, और उसको हम लोग बिहार के संदर्भ में भी देखेंगे। खास करके बिहार में वो देखेंगे कि गठबंधन है, एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। तो महागठबंधन, गठबंधन का पावर पॉलिटिक्स क्या है, ये सब चीज़ हम लोग को देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात भारत के लिए और खास करके बिहार के लिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का जो क्रिमिनलीकरण हो रहा है ना, जो क्रिमिनल्स का एंट्री हो रहा है, या जो शब्द आया है क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। सातवां जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जुडिशरी, यानी न्यायपालिका। अब देख रहे हैं जुडिशरी का रोल हमारे दैनिक जीवन में बढ़ चुका है, तो पहली बार जुडिशरी में हम लोग को एक मौका मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माने संविधान का आधारभूत संरचना क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे व्याख्या करती है, और हम लोग क्या समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के आधारभूत संरचना। आप देखिएगा कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में लाया गया। इस टॉपिक भी हमारे चर्चा का विषय होना चाहिए कि व्हाट इंप्लीकेशंस विल बी देयर, बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बीइंग कवर्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड दिस इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। टू व्हाट एक्सटेंट इट विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप लेके आते हैं सूचना के अधिकार के तहत, तो पारदर्शिता, जिम्मेवारी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इस टॉपिक पे हम लोग को चर्चा करना है। तीसरा टॉपिक जो जुडिशरी में हम लोग को देखना है वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, जो आपका न्यायिक प्रणाली है क्रिमिनल सिस्टम पे, उसको हम लोग को देखना है। आप देखेंगे कि कुछ खोज छोटे छोटे अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, अर्ध न्यायिक निकाय, ट्रिब्यूनल्स जिसको कहते हैं, चाहे आप इनकम टैक्स में देखें, चाहे आप सिविल मैटर्स में देखें, चाहे भूमि विवाद में देखें, तो हर एक छोटे छोटे ट्रिब्यूनल होते हैं, सॉरी एनवायरमेंट भी, पर्यावरण के लिए भी। तो इनका रोल आपके समाज में, आपके देश में, न्याय प्रक्रिया में क्या इनका रोल होता है, महत्व होता है। फिर जुडिशरी में जो है
न्यायपालिका, न्यायपालिका में जज की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति, इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। फिर आप देख रहे हैं कि जुडिशरी, न्यायपालिका की अपनी कुछ रुकावटें हैं, देयर सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ जुडिशरी, हम लोग को वो भी डिस्कस करना है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज्म, एक शब्द है जुडिशियल एक्टिविज्म, एक शब्द है डेमोक्रेटिक बारबेरिज्म, डेमोक्रेटिक बारबेरिज्म, ये सब शब्द का हम लोग को विश्लेषण करना है, व्याख्या करना है, एनालिसिस करना है। जुडिशरी में हम लोग को देखना है कि किस तरह से भारत का सर्वोच्च न्यायालय यहां के लोगों के प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक अधिकार का संरक्षण करता है। हाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट्स टू प्रोटेक्ट द नेचुरल जस्टिस। फिर जुडिशरी में ही हम लोग का अगला टॉपिक जो है डिस्कस करने का वो रहेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में संबंध, कि किस तरह से न्यायपालिका नियंत्रित करती है कार्यपालिका को, हाउ डज जुडिशरी, जुडिशरी कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण के मुद्दे पे क्या कहना है, तो ये सब जो मुद्दा है हम लोग को जुडिशरी में देखना है। आठवां जो टॉपिक है वो है आपका गवर्नर। बीपीएससी मेंस में देखिएगा, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है, हर एक साल आता है। तो शुरू ही हम लोग करेंगे कि राज्यपाल का रोल, गवर्नर का रोल क्या है, इसकी संविधान में क्या महत्व है और सुप्रीम कोर्ट इसके महत्व को कैसे देखती है। गवर्नर का रोल खास करके अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के तहत कैसा होता है, क्या गवर्नर एक संवैधानिक, गवर्नर एक संवैधानिक पद है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, बट समटाइम्स वी सी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर। और गवर्नर का रोल जो है, उनकी शक्तियां जो हैं, पावर जो है, कर्तव्य जो है, शुरू से, कहने का मतलब आपके 1950 से ही लगातार उसमें परिवर्तन होते रहा है, खास करके शुरू में जब सब जगह कांग्रेस की सरकार होती थी तो केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं होती थी, तो गवर्नर का रोल बहुत विवादपूर्ण हो जाता है। आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नर का रोल जो है कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है, विवादपूर्ण हो गया है, तो इस संदर्भ में भी हम लोग को गवर्नर का रोल को एनालिस करना है, एनालिसिस करना है, क्योंकि ये लगता है बहुत फेवरेट टॉपिक है। जो आपका नौवां जो टॉपिक है पॉलिटी में वो है आपका पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज प्रणाली। इस पंचायती राज प्रणाली में हम लोग देखेंगे कि भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में पंचायती राज का क्या महत्व रहा है, क्या इसको हम लोग एक संस्थागत प्रक्रिया के रूप में देखें जिससे कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास हो, इज इट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये पंचायती राज सिस्टम में इस पहलू को हम लोग को देखना है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की उत्पत्ति, एवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में भी हम लोग को देखना है। दसवां जो टॉपिक होता है वो है चुनाव सुधार, यानी देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स सजेस्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम लोग ये इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार पे डिस्कस करेंगे। वीवीपैट होता क्या है, क्या वीवीपैट के इस्तेमाल से क्या क्या मुद्दे होती हैं, इस मुद्दे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे हैंडल करती है, कैसे इस मुद्दे का समाधान ढूंढती है, ये हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक है। ईवीएम और पेपर बैलेट के बीच में चुनाव, पेपर बैलेट से चुनाव किया जाए या ईवीएम से किया जाए, ईवीएम के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, पेपर बैलेट के क्या
फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हम लोग को इसमें देखना है। फिर ये दस टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और इसी दस टॉपिक के तहत हम लोग उम्मीद करते हैं कि चार का चार क्वेश्चन आपका आ जाएगा, लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहते, चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग इतने सक्षम हो कि सारा आंसर कर दें। तो अपने रिस्क क्या के लिए इंश्योरेंस कवर, एक इंश्योरेंस की तरह कुछ और टॉपिक को भी हम लोग देख लेंगे, जो दो तीन पेज का आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और हम लोग इससे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। पहला है ऑफिस और स्पीकर। स्पीकर की शक्तियां और इसके साथ साथ लॉ ऑफ डिफेक्शन, दल बदल कानून, इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, सीखेंगे। जॉब कोटा, और आप देख रहे हैं आजकल कि किसी किसी राज्य में बात की जा रही है कि स्थानीय रूप से निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाए, तो लोकल रिजर्वेशंस इन प्राइवेट सेक्टर, इस टॉपिक को भी हम लोग को चर्चा करना है। COVID-19 एंड इंडियन लीगल फ्रेमवर्क, जो आपका विधायिका का एक रूपरेखा है और उसके तहत COVID-19 आ चुका है, तो इस COVID-19 को हम लोग कैसे कवर करेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 370, हालांकि अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन तो भी इसको एक बार हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन कर लेंगे। और एक मिशन कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के लिए है, आप लोग के लिए है, सिविल सर्वेंट के लिए है, मिशन कर्मयोगी, ये आपका इम्पोर्टेंट है। सॉरी